आज हम लोग जो है केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का मतलब क्या समझेंगे? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल यानी हम लोग वैसे सबसे पहली बात ये समझेंगे कि हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते क्या है, मतलब कि केमिस्ट्री में हम लोग किस प्रकार का अध्ययन करते हैं, क्या पढ़ना चाहिए। तो केमिस्ट्री में हम लोग कुछ नहीं पढ़ते हैं, बस तत्व और उसके गुण के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? तत्व और उसके गुण के बारे में ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो तत्व जब हम बात करते हैं तो तत्व मुख्य रूप से कितना प्रकार का होता है? मुख्य रूप से कहेंगे तो तीन प्रकार का होता है, धातु, अधातु और उपधातु। उपधातु सर, ठीक है, यही तीन प्रकार का लगभग जो अभी खोजा जा चुका है 118 के आसपास तत्व की संख्या। हाँ, उसके आसपास इतने इतना के आसपास खोजा जा चुका है, यानी 118 तत्व को कुछ अलग अलग रूपों में बांटा। तो उस बांटने का क्रम जो है, धातु को अलग रखा, अधातु को अलग रखा और मिश्र धातु जिसको उपधातु बोलता है, मिश्र धातु को अलग रखा। उससे अच्छा सबसे अच्छा मिश्र धातु ही है। ठीक है, धातु को बोलेंगे मेटल और धातु क्या बोलेंगे? नॉन मेटल। और मिश्र धातु को मेटलाइज। ठीक है, तो हम जो बात करेंगे तो अलग अलग, अभी जो ये चैप्टर किस लिए दिया गया, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक एलिमेंट, प्रत्येक तत्व जो है किसी न किसी के साथ संयोग करता है, उसके लिए कुछ कंडीशन दिया जाता है। तो मान के चलो, हो सकता है अगर एग्जांपल के तौर पे इस तीनों का कुछ एग्जांपल लें, तो एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं कि अगर अगर धातु का ले लें सोडियम, अभिक्रिया करता है किसी एक के साथ ऑक्सीजन के साथ, तो सोडियम अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन के साथ, तब वह सोडियम ऑक्साइड बनाता है। अब थोड़ा सा इसको लैंग्वेज को समझें कि यहां पर जो सोडियम है क्या हो गया, इसको संकेत में जो लिखते हैं Na से, ये जो ऑक्सीजन, अच्छा ऑक्सीजन क्या है, इसको ऑक्सीजन को संकेत में O से लिखते हैं जो क्या है, अधातु है। ऑक्सीजन क्या है? और सोडियम क्या है? धातु है, एक धातु के रूप में। ठीक है, तो हम यह बात करना चाह रहे हैं कि यह अभिक्रिया करता है तो बनाता है सोडियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो इसका अगर बात करेंगे तो इसका बनता है Na2O। ठीक है, Na2O बनता है सोडियम ऑक्साइड। तो अगर हम बात करें, ये जो लैंग्वेज लिखा गया है, हम जो लैंग्वेज में जो लिखते हैं, लैंग्वेज माने शब्द के रूप में जो लिखते हैं, इसको कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, और इस हम पहले के कक्षा में पढ़ चुके हैं, प्रत्येक तत्व का कुछ ना कुछ संकेत होता है, कुछ ना कुछ संकेत होता है, और उस संकेत को जब हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसे कि अभी हम बात करें Na का ऑक्सीजन के साथ O2 होगा, अभिक्रिया करते हैं तो NaO बनता है। ठीक है, अभी क्या बने कह रहे हैं कि ऑक्सीजन का जब अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ, सोडियम का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम ऑक्साइड बनता है। तो लेकिन इस क्रम में हम इस तरह से नहीं लिख सकते, कुछ कंडीशन है। कुछ कंडीशन क्या है कि हम उसका वैलेंसी चेक करते हैं, ये सब प्रीवियस क्लास में था, आगे भी डिस्कशन करेंगे। तो वैलेंसी के आधार पर रखा जाता है, और ये भी कंडीशन है कि कुछ तत्व अकेले नहीं रहता है। अकेले नहीं रहता है कहने का अर्थ है ऑक्सीजन अकेले नहीं रहता, O2 कभी भी इसका जो मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल माने
अणु के रूप में लिखते हैं, तो ये O2 लिखेंगे, ठीक है। और ये उस तरह से भाग लेता है, और हम जानते हैं कि इसका संयोजकता एक होता है, इसका संयोजकता दो होता है। तो जब हम एक संतुलित समीकरण बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2Na2O। तो देखा जाए तो अब ये एक प्रॉपर समीकरण बना है। प्रॉपर इसलिए बना है, Na कै गो है, चार बने, तो दो दूनी चार, ऑक्सीजन कितना है दो, तो ये टू से मल्टीप्लाई हो गए दो हो जाएगा। अब बात करते हैं यहां पर जो एरो दिख रहा है, ये एक तीर है, ये क्या है, तीर, तीर। अगर तीर को एरो बोलते हैं, अंग्रेजी वर्ड है एरो, तीर के पीछे जो शब्द लिखा हुआ है, तीर के पीछे में जो शब्द लिखा हुआ है, ये वाला शब्द, ये वाले शब्द को हम लोग कहते हैं अभिकारक, और तीर के बाद जो बनता है उसको कहते हैं प्रतिफल या